हेलो क्लास, आज का जो टॉपिक है अपना वो है लॉजिक गेट्स और मुझे लगता है 12th सेमीकंडक्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम दो तरह के सिग्नल्स पढ़ लेंगे, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो टाइम के साथ में वैरी करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स टाइम के साथ में तो वैरी करते हैं लेकिन उनके सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, या तो हाई या फिर लो। चलो एनालॉग सिग्नल्स देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल कैसे सिग्नल होते हैं जो टाइम के साथ में वैरी करते हैं, जैसे कि साइनसोइडल वेव। जैसे ये फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये कैसे साइनसोइडल वेव, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज में कितना वेरिएशन आता है वो इस ग्राफ में दिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 इतना टाइम है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 2, 2 इतना टाइम है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 3, 3 इतना टाइम है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 2, 4 इतना टाइम है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 0। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज क्या होता है, कम ज्यादा हो रहा है, मतलब वैरी होता है। तो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स। इस तरह के सिग्नल जिन सर्किट में यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स। अब हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या होते हैं, सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, या तो एक हाई या फिर एक लो। जैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया, स्क्वायर वेव यहाँ पर ड्रॉ की है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज कितना वेरी होता है। तो देखो टाइम आगे तो बढ़ रहा है, वोल्टेज में दो ही वेरिएशन रहेंगे, या तो हाई या फिर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 वोल्ट, तो 0 to 2 इतने समय में सिर्फ 1 वोल्ट है, 2 से 3 इतने समय में 0 वोल्ट है, ये लेवल किसके 0 की, 3 से 4 इतने समय में ग्राफ यहाँ पर है, मतलब ये लेवल कितनी है 1 वोल्ट की। मतलब हमेशा वहां पर सिर्फ दो ही वैल्यूज चलेंगे, एक हाई और एक कैसे रहेंगे लो। तो जहां पर दो ही डिस्क्रीट वैल्यू पर ये काम करते हैं उस तरह के सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, और उन सर्किट को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्किट्स बोलते हैं। अब लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। लॉजिक गेट्स क्या है, वो डिजिटल सर्किट्स है और ये एज अ स्विचिंग सर्किट करके भी इनको कंसिडर हम कर सकते हैं। स्विचिंग सर्किट मतलब कैसा, अब देखो कोई भी सर्किट में इनपुट तो रहेंगे और आउटपुट भी मिलेगा, तो ये लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, अगर इनको एक तरह का इनपुट मिलता है तो उन्हें क्या आउटपुट देना चाहिए, दूसरे तरह का इनपुट मिलता है तो क्या आउटपुट देना चाहिए, मतलब किस इनपुट के लिए कौन सा आउटपुट रहेगा, ये डिसाइड करने वाला ये जो सर्किट होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, लॉजिक सर्किट्स हम बोल सकते हैं, लॉजिक गेट्स हम इनको बोलते हैं। तो इनको एज अ स्विचिंग सर्किट करके कंसिडर करते हैं, और ये जो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन शो करने वाला ये लॉजिक गेट होता है। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, एक तरह का स्विचिंग सर्किट जो क्या करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है हमें बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, कितना इनपुट वोल्टेज आया तो क्या आउटपुट देना है, ये डिसाइड करने वाला जो गेट रहेगा वो सर्किट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट्स बोलेंगे। अभी हम इनके टाइप्स देख लेंगे, आप इनको देख लो। लॉजिक गेट्स के अपने पास में कुछ टाइप्स है, जैसा पहला टाइप है नॉट गेट और गेट एंड गेट, और इनके कुछ कॉम्बिनेशन है जैसे नैंड गेट, नॉर गेट और जॉर गेट। तो सबसे पहले हम गेट पढ़ रहे हैं, कौन सा, नॉट गेट। नॉट गेट का एक बहुत सी सिंपल सा सिंबल होता है, डायोड की जैसा सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल होता है ये प्लेस करना हम नहीं भूलेंगे, इसी का ही मतलब होता है नॉट गेट। देखो यहाँ पर इनपुट, ये है इनपुट, इनपुट क्या दिया है एक्स और आउटपुट क्या दिया है वाई, लेकिन वाई के ऊपर में बार लिखा है, सिर्फ वाई भी इसका आउटपुट हो सकता है, लेकिन एंड गेट सॉरी नॉट गेट है, और नॉट गेट का मतलब क्या होता है, जो इनपुट रहेगा उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, वो कैसे रहेगा, नॉट रहेगा, नॉट मतलब उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ इनपुट्स देते हैं, तो इनपुट देखो ये कैसा है, लॉजिकल गेट्स है, ठीक है, इनके इनपुट सिर्फ दो ही रहेगा, या तो हाई या फिर क्या रहेगा लो, और उसमें से भी 0 और 1, 0 क्या रहेगा लो इनपुट, 1 क्या रहेगा हाई, ठीक है, तो हाई वैल्यू 1 और लो वैल्यू 0, तो इनपुट या तो हम 0 देंगे या फिर क्या देंगे 1। सपोज टू बी मैंने इनपुट दे दिया 0, देखो मैंने यहां पर इनपुट दे दिया 0, क्या है इनपुट 0, लेकिन ये 0 जो इनपुट मिला है इसका ये आउटपुट क्या करेगा, अपोजिट करेगा, वाई बार का मतलब यहां पर क्या होता है, अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या होता है 1, 0 क्या होगी लो वैल्यू और 1 क्या हो गया हाई वैल्यू। फिर अगर हम यहां पर 0 प्लेस नहीं कर सकते तो हो सकता है 0 की जगह हमने इनपुट दे दिए 1, इनपुट क्या दे दिए 1, तो 1 का जो आउटपुट निकलेगा वो अपोजिट, हमने इनपुट क्या दे दिए 1 और उसका अपोजिट क्या होता है 0, तो इस तरह से 0 मतलब हाई वैल्यू दे दिए तो लो वैल्यू मिलेगी, लो वैल्यू दे दिए तो क्या मिलेगी
हाई वैल्यू। इस तरह से हमने इसके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन शो करता है। तो यहां पर देखो आउटपुट क्या है, y, ठीक है, और y जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, इनपुट का नॉट, इनपुट का क्या रहेगा, नॉट रहेगा, ठीक है। तो y आउटपुट मतलब जो इनपुट आया था उसका क्या रहेगा, नॉट। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या लिखा है मैंने, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, जितने हम इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से कितने आउटपुट मिलते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन शो करने वाला टेबल होता है उससे हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो इनपुट, इनपुट कौन सा है अपने पास में, एक्स, और आउटपुट कौन सा है अपने पास में, वाई। और अपने को भी क्या करना है, ये बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से यहां पर इनपुट को क्या आउटपुट मिलेंगे वो लिखना है। अगर देखो इनपुट, इनपुट कितना दिया मैंने, अगर जीरो दे दिया इनपुट, अगर जीरो दे दिया, जीरो मतलब लो वैल्यू, ठीक है, इनपुट अगर लो वैल्यू देंगे तो यहां पर जो आउटपुट है, आउटपुट हमेशा इनपुट के नॉट होता है, आउटपुट हमेशा इनपुट के क्या होता है, नॉट होता है। तो जो भी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या है, वाई, और जो भी आउटपुट मिलेगा इनपुट के कैसे रहेगा वो, नॉट, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट, ये लो वैल्यू है तो हाई वैल्यू, लो वैल्यू जीरो, हाई वैल्यू वन, यहां पर जीरो और वन के सिवा कुछ नहीं चलता, ठीक है। और अगर हमने हाई वैल्यू दे दिए तो आउटपुट इसका क्या रहेगा, लो वैल्यू, मतलब क्या रहेगा, जीरो। तो ये था नॉट गेट। नेक्स्ट गेट हम पढ़ने वाले हैं ऑर गेट। ऑर गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले जो हमने पढ़े थे नॉट गेट, नॉट गेट का सिर्फ एक इनपुट था, लेकिन इस गेट में कितने इनपुट है, दो इनपुट अवेलेबल है। एक इनपुट का हमने नाम रख दिया ए, दूसरे का नाम रख दिया बी, और दोनों इनपुट जब देंगे तब आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, वाई मिल रहा है। तो ये हो गया इसका सिंबल। इसका सिंपल सा एक बुलियन एक्सप्रेशन है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो इनपुट क्या है, ए, प्लस में इनपुट क्या है, बी, मतलब दोनों इनपुट का क्या करना है अपने को, एडिशन। तो जो आर होता है, ये जो आर का मतलब आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्या करना है अपने को, एडिशन करना है, ठीक है। नॉट का मतलब अपोजिट था, और का मतलब क्या करना है अपने को, एडिशन करना है। तो जो भी इनपुट्स आएंगे उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट। अब देखो दो ही तरह के हम इनपुट दे सकते हैं, कौन से इनपुट, या तो हाई या फिर क्या दे सकते, लो। तो चलो मान लेते हैं सबसे पहले यहां पर हमने ए की जगह इनपुट दे दिया जीरो, और यहां पर भी चलो जीरो ही इनपुट दे रहे, मतलब लो ही इनपुट दे रहे। तो ए, ए इनपुट जो दिया वो हमने क्या दिए, जीरो। बी भी इनपुट दे दिए, वो क्या दे दिए हमने, जीरो। और आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब इन दोनों इनपुट को ऐड करेंगे तब आउटपुट मिलेगा। और जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो। लो वैल्यू प्लस लो वैल्यू इक्वल्स टू लो वैल्यू। अब हमने क्या कर दिए, इनमें से एक को हमने हाई वैल्यू दे दी, इसको जीरो दिए और इसको क्या दे दिए, वन दे दिए। तो ए जो इनपुट ए है वो क्या है, जीरो। आउटपुट सॉरी, और एक इनपुट दिया है हमने क्या है, वन। देखो लो इनपुट प्लस हाई इनपुट, ठीक है, जीरो प्लस वन, वन होता है, मतलब इसका आउटपुट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वन हम ए को दे दे देंगे और जीरो हम बी को दे देंगे। तो वैसा कर लेते हैं, ए जो इनपुट था उसको हमने हाई वैल्यू दे दिए और बी इनपुट में हमने लो वैल्यू दिए, और वन प्लस जीरो कितना होता है, वन। मतलब देखो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक तो भी हाई वैल्यू है, अगर एक भी हाई वैल्यू इनपुट में रहेंगी, दोनों में से एक भी हाई वैल्यू इनपुट में रहेंगी तो आउटपुट भी अपने को हाई ही मिलने वाला है। तो जीरो और वन में वन ऑलरेडी हाई है इसलिए आउटपुट हाई मिला, वन और जीरो में वन ऑलरेडी हाई है तो आउटपुट भी कितना मिला, हाई मिला। अब हम अगर दोनों जगह पर अगर हाई इनपुट देते हैं तब क्या होगा, अगर मैंने ए को इनपुट दे दिया वन और बी को भी इनपुट दे दिया वन, हाई प्लस हाई, हाई ही वैल्यू होगी, तो वन प्लस वन हम कितना लिखेंगे, वन, ये टू नहीं लिखेंगे, वन प्लस वन यहां पर वन ही होता है, हाई सिग्नल प्लस हाई सिग्नल इक्वल टू हाई सिग्नल ही होता है। तो ये हो गया अपना ऑर गेट, ये है एंड गेट, सॉरी नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट नहीं एंड गेट है, बाय मिस्टेक मैंने नैंड गेट लिख दिया, ठीक है। यह है एंड गेट,
पहला हमने नॉट पढ़े अपोजिट, दूसरा पढ़ लिया हमने और गेट, और गेट मतलब क्या होगा हमने उसमें एडिशन कर लिया। तीसरा क्या है एंड गेट, एंड गेट में हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो सिंबल है वो एंड गेट का है। यहां पर हमें इनपुट कितने दिखते हैं, दो इनपुट यहां पर अवेलेबल है ए और बी, और आउटपुट कितना दिखता है एक ही जो क्या है वाई, और ए और बी जो इनपुट हम देंगे इनका मल्टीप्लीकेशन होकर हमें आउटपुट वाई मिलने वाला है। इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन अपने पास में क्या है वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, मतलब ही मल्टीप्लीकेशन दिया है। अब हम यहां पर कितने इनपुट्स देंगे हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ट्रूथ टेबल के फॉर्म में। चलो हमने एक इनपुट दे दिए, ए को हमने इनपुट दे दिए सपोज टू बी, ए का इनपुट हो गया जीरो, इसको दे दिए वन, चलो इसको वन देंगे इसको जीरो देंगे, फिर अगर इसको हमने वन दे दिए और इसको भी वन दे दिए और दोनों जगह पर चलो जीरो दे दिए, ये इनपुट वगैरह ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस अच्छा यही रहेगा कि हम क्या करेंगे सबसे पहले जीरो जीरो देंगे लो वैल्यू के, फिर एक हाई एक लो, फिर पहला लो दूसरा हाई, और फिर लास्ट में दोनों क्या कर देंगे हाई दे देंगे, ये सीक्वेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ए को हमने क्या इनपुट दे दिए जीरो, बी को भी क्या इनपुट दे दिए जीरो, तो जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा आउटपुट जीरो, मतलब लो वैल्यू इंटू लो वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी लो वैल्यू, फिर ए का इनपुट वन बी का इनपुट जीरो, तो हाई वैल्यू इंटू लो वैल्यू, हमें पता है वन इंटू जीरो जीरो ही होता है, तो हाई वैल्यू इंटू लो वैल्यू क्या होती है लो, मतलब अगर दो इनपुट में से एक भी इनपुट लो वैल्यू का है तो आउटपुट भी लो वैल्यू मिलेगी, मतलब दोनों में से एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो मिलेगा। देखो यहां पर ए का इनपुट जीरो बी का इनपुट भी वन, लेकिन यहां पर जीरो क्या है लो है, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा जीरो, फिर हाई इंटू हाई वन इंटू वन क्या होता है वन, तो ये हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल। ये जो हमने एंड गेट पढ़ लिए थे इसका ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हम नैंड गेट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे नैंड गेट। जब नैंड गेट पढ़ेंगे तो एंड गेट के ही सिंबल को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहां पर ये जो छोटा सा सर्कल है वो यहां पर प्लेस करना पड़ेगा। ये जो छोटा सा सर्कल दिखता है इसका मतलब होता है नॉट, तो नॉट और एंड गेट, मतलब एंड गेट के पीछे अगर हमने नॉट गेट लगा दिए तो क्या हो रहा है नैंड गेट। देखो वाई आउटपुट था, वाई जो आउटपुट था वो एंड गेट के हिसाब से ए और बी का मल्टीप्लीकेशन था, और जो भी सबसे लास्ट में आउटपुट आता है उसको हमने नैंड भी लगा दी, मतलब नॉट लगा दी यहां पर, तो नॉट लगा दी तो वो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। देखो फिर से ए और बी हम प्रोवाइड करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन एंड गेट देता है, लेकिन हमने क्या लगा दिया यहां पर एन लगा दी, मतलब क्या हो गया नैंड गेट, मतलब यहां पर क्या लगा दिया हमने नॉट गेट। तो ए और बी यहां पर गई, ये कौन सा गेट है एंड गेट, एंड गेट क्या बताता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन उसके बाद में हमने लगा दिए नॉट गेट, तो जो भी एंड गेट का आंसर आएगा उसका अपोजिट अपने को आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये नैंड गेट है इसलिए। तो यहां पर हम इसको वाई बार भी दे सकते हैं, मतलब इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन वाला आंसर आएगा उसका अपने को क्या करना है अपोजिट करना है। तो ये जो था बुलियन एक्सप्रेशन, जो ऑलरेडी अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो वो किसके लिए हो गया एंड गेट के लिए, लेकिन अगर नैंड गेट देना है तो इसके लिए इसका नॉट लगाना पड़ेगा। तो अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इसमें भी कर लेते हैं। ये जो अपना था वो कैसे था, किसके लिए था, ये एंड गेट के लिए, अभी किसके लिए हम करने वाले हैं नैंड गेट के लिए। तो चलो इसके हम वैल्यूज हटा देते हैं और देखो ए और बी ये इनपुट देंगे, तो ये सिर्फ इसको सोचो ये अगर एंड गेट है तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, तो मैं इनका जो आउटपुट है एंड गेट मैं सपोज टू बी वाई डैश से कंसिडर कर रहा हूं, और उसका भी आउटपुट मतलब सिर्फ हम क्या कंसिडर करेंगे वाई, फॉर्मूले के हिसाब से इसके ऊपर में बार रहेगा, लेकिन आपको ये टेबल में अगर हम देखते हैं तो ए और बी जो इनपुट सिग्नल है इसका एंड के हिसाब से ये आंसर रहेगा, और उसका नॉट करते मतलब इसका क्या करेंगे अपोजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला आउटपुट मिलता है और ये दूसरा आउटपुट हम कंसिडर करेंगे।
तो ये वाला जो है मेन आउटपुट है अपना, ये बीच का कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आप देख लो। फिलहाल पहला इनपुट हम लो, दूसरा भी इनपुट हम लो प्रोवाइड करेंगे। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना होता है? जीरो। हमने ये एंड गेट का आंसर दे दिए, लेकिन नैंड गेट का देने के लिए इसका नॉट करना पड़ेगा। तो जीरो का नॉट क्या होता है? वन। फिर दूसरा हमने ए का इनपुट दे दिया जीरो, लेकिन बी का इनपुट दे दिया सपोज टू बी वन। जीरो इंटू वन कितना होता है? ये वन, ये एंड का आंसर है, लेकिन इसका नॉट क्या होता है? जीरो। फिर पहला इनपुट हमने दे दिया वन, दूसरा इनपुट दे दिया हमने जीरो। वन इंटू जीरो क्या होता है? जीरो। नैंड का अभी आंसर निकलेगा इसका अपोजिट, तो जीरो का नॉट क्या हो गया? वन। देखो हमने जीरो जीरो दे दिए, जीरो वन दे दिए, वन जीरो दे दिए, क्या बाकी है अभी? वन इंटू वन। तो वन इंटू वन करेंगे तो हमें एंड का आंसर मिलेगा। वन इंटू वन क्या होता है? सिर्फ वन। लेकिन इसका हम अपोजिट करेंगे तो वो किसका आंसर रहेगा? नैंड का। तो वन का अपोजिट क्या हो गया? जीरो। आप चाहो तो ये वाला जो है इसको आप स्किप कर सकते हो, ये मैंने बता दिया आपको समझ में भी आ गया। चलो मैं इसको स्किप करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? अब देखो पहला इनपुट इंटू दूसरा इनपुट और उसका नॉट मतलब आउटपुट। देखो पहला इनपुट दूसरा इनपुट इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? जीरो इंटू जीरो जीरो, और उसका नॉट वन। जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, और जीरो का नॉट, ये हमारा गलत हो गया। जीरो इंटू वन जीरो, और जीरो का नॉट क्या होता है? वन होता है। वन इंटू जीरो जीरो, और जीरो का नॉट क्या होगा? वन। वन इंटू वन वन, और वन का नॉट जीरो। तो इस तरह से हमने बीच का जो है वो जो मैंने वाई डैश लिखा था उसको आप स्किप भी करते हो तो ये तीन कॉलम में भी आपका ट्रुथ टेबल सेट होता है। तो ये है अपना कौन सा गेट हो गया? नैंड गेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ये जो सिंबल हमने ड्रॉ किए थे वो ऑर गेट के लिए ड्रॉ किए थे, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? नॉर गेट। तो ऑर को नॉर बनाना है, तो जो ऑर का जो सिंबल था इसके सामने आप नॉट के लिए ये छोटा सा सर्कल प्लेस कर दो, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉर गेट। ऑर गेट के केस में आपको याद होगा हमने क्या किए थे? एडिशन, मतलब जो भी आउटपुट था वाई इक्वल्स टू ए प्लस क्या हुआ था? बी। अब हम क्या करेंगे? जो भी a प्लस बी का आंसर आएगा उसका क्या करेंगे? हम नॉट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये अपना आंसर रहने वाला है। अब हम क्या क्या इनपुट्स देते हैं? पहले हमने सबसे लो वैल्यू का इनपुट दिया जीरो जीरो। जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो, ठीक है? जीरो प्लस जीरो जीरो, ये हमने यहां पर इंटरमीडिएट आउटपुट मतलब वाई डैश हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है? फिर जीरो प्लस जीरो तो जीरो होता है, लेकिन यहां पर उसका क्या करना है? नॉट। जीरो का नॉट क्या हो जाएगा? वन। फिर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं, पहले को जीरो दे रहे दूसरे को वन दे रहे। अभी जीरो प्लस वन कितना होता है? वन, और वन का नॉट कितना होता है? जीरो। फिर हमने क्या कर दिया? पहले को वन दे दिए, दूसरे को जीरो दे दिए। वन प्लस जीरो कितना होता है? वन, और वन का नॉट क्या होता है? जीरो। फिर हमने दोनों के हाई इनपुट दे दिए वन वन। वन प्लस वन कितना होता है? वन, और वन का नॉट क्या होता है? जीरो। तो ये जो मेन आउटपुट अपने पास में अवेलेबल है, आप अगर इसको स्किप भी करोगे तो भी चल जाएगा। चलिए इसको स्किप कर लेते ये वाला कॉलम। तो देखो इनपुट क्या है? जीरो 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 जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, और उसका नॉट वन। जीरो प्लस वन वन, वन का नॉट जीरो। वन प्लस जीरो वन, वन का नॉट जीरो। वन प्लस वन वन, और वन का नॉट जीरो। इस तरह से ये जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या है? नॉर गेट। ये है जॉर गेट, इसको कभी कभी एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी बोलते हैं। जो अपने पास में ऑलरेडी ऑर गेट था इसके सामने थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा सिंबल प्लेस कर दिए तो ये क्या हो जाता है? जॉर गेट हो जाता है। इसका एक बुलियन एक्सप्रेशन सबसे अलग हटकर है, और यहां पर अपने को तीनों का कॉम्बिनेशन दिखता है, ऑर गेट का भी, एंड गेट का भी, और नॉट गेट का भी। देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन भी है, और ये नॉट के लिए बार भी प्लेस किया गया। तो दो इनपुट है ए और बी,
इसमें इस तरह का सिंबल प्लेस किया गया, प्लस के ऊपर में क्या है सर्कल दिया है, इक्वल्स टू ही क्या होता है ए नॉट इंटू बी प्लस ए इंटू बी नॉट होता है। अब अपने जो पॉसिबल जो इनपुट्स है, क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, देखो हम हमेशा यही इनपुट को याद रखेंगे और यही इनपुट देने की कोशिश करेंगे ट्रुथ टेबल में, जीरो जीरो, फिर वन जीरो, जीरो वन और वन वन, ये अपने क्या हो गए इनपुट्स हो गए। तो देखो ए जीरो दिया है, बी भी क्या दिया है जीरो, चलो यहां पर देखते हैं, ए के जगह मैंने क्या दे दिया जीरो और बी के जगह कितना दे दिया जीरो प्लस ये जीरो जीरो दे दिया, ठीक है। अब जीरो तो देना है लेकिन जीरो का नॉट क्या होता है वन इंटू, फिर यहां पर भी बी क्या था जीरो लेकिन बी का नॉट मतलब जीरो का नॉट कितना हो जाएगा वन, वन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू वन जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना होता है जीरो, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या रहेगा जीरो रहेगा। चलो फिर से हम सेकेंड यूज करेंगे, क्या है वन जीरो, ठीक है, ये क्या है ए वन जीरो प्लस वन और ये जीरो। अब देखो ए का नॉट यूज करना है तो वन का नॉट क्या होता है जीरो और बी का भी नॉट यूज करना है, बी का भी नॉट मतलब क्या होता है बी जीरो था, बी जीरो था तो जीरो का नॉट क्या होता है वन, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन क्या होता है वन, जीरो प्लस वन कितना होता है वन, तो इसका आंसर कितना रहेगा वन। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जीरो वन, तो ए के जगह जीरो वन के जगह बी के जगह वन प्लस ए के जगह जीरो बी के जगह वन, जीरो का नॉट कितना होता है जीरो का नॉट वन, फिर बी के जगह क्या दिखता है वन, वन का नॉट क्या होता है जीरो, वन इंटू वन वन और जीरो इंटू जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, तो इसका भी आंसर कितना आएगा वन। तो आप देख रहे हैं दोनों में से एक भी हाई वैल्यू है तो आंसर हाई वैल्यू आती है, दोनों में से एक भी हाई वैल्यू है तो आंसर क्या आता है हाई वैल्यू थी, और दोनों लो वैल्यू है तो आंसर क्या हो गया दोनों का लो हो गया। अब दोनों हाई वैल्यू है देखते हैं क्या होता है, तो वन 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 वन, देखो वन का नॉट क्या लिखेंगे हम जीरो, वन का भी नॉट क्या लिखेंगे जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जब दोनों हाई वैल्यू होती है तो आंसर में क्या आता है आउटपुट लो वैल्यू आता है। तो इस तरह का जो होता है वो कौन सा गेट है ZOR गेट मतलब एक्सक्लूसिव OR गेट। अभी हम इन सभी के कॉम्बिनेशन में कुछ नेटवर्क सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये नेटवर्क हमें सॉल्व करने को दिया है और इसमें कॉम्बिनेशन है, जनरली अपने को दो गेट्स यहां पर दिखते हैं, एक है OR गेट और ये सर्कल लगाया मतलब नॉट गेट। देखो ए और बी इनपुट है, इनपुट किसको दिए है OR गेट को, OR गेट के बाद में कौन है नॉट गेट, नॉट गेट वाला इनपुट सेम इनपुट ये लाइन है और दो लाइन में डिवाइड किए मतलब यहां पर जो आउटपुट रहेगा वो इसको इनपुट दिया जाएगा, दोनों सेम वैल्यूज रहेंगी, और ये किसको जा रहा है इनपुट फिर से OR गेट को, OR गेट के बाद में नॉट गेट और फिर फाइनल आउटपुट मिलने वाला है। हमारे जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं हमारे जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन और वन वन, ठीक है। तो हमने ए को कितना दिया जीरो, बी को कितना दिया जीरो, ये गेट कौन सा है ये है OR गेट, OR गेट में क्या होता है प्लस, तो मतलब जीरो प्लस जीरो कितना होगा जीरो, और ये नॉट क्या करता है उसका अपोजिट, जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो का नॉट कितना हो गया वन, ठीक है। हम यही तक फिलहाल फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हमने क्या दे दिया इनपुट वन जीरो, ठीक है वन जीरो कौन सा गेट है OR, वन प्लस जीरो वन, उसका नॉट वन का नॉट जीरो, उसका भी ऐसे ही कर लेते हैं जीरो प्लस वन वन, वन का नॉट जीरो, वन प्लस वन वन और वन का नॉट क्या हो जाएगा जीरो। अब हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, अब यहां पर जो भी आउटपुट मिले हैं नॉट गेट के बाद में ये हम दोनों में सेम लेंगे, दोनों में क्या करेंगे सेम, तो यहां पर जो अपने को आउटपुट मिला है वो है वाई डैश, नॉट का जो आउटपुट मिला है वही है वाई डैश, और जो वाई डैश की जो आंसर्स मिले हैं अपने को सेम दोनों केस में प्रोवाइड करेंगे, मतलब वाई डैश अगर वन मिला है तो इसको वन दे देंगे, इसको वन दे देंगे। अभी इस OR गेट के इनपुट हो गए वन वन, ठीक है वन वन, ये भी कौन सा है OR गेट, OR गेट क्या करता है दोनों सिग्नल का एडिशन, तो वन प्लस वन कितना होगा वन,
और गेट ने क्या कर दिया, इन दोनों सिग्नल का एडिशन कर दिया, वन प्लस वन वन, और वन का नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल आंसर क्या है, जीरो। नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार हम देख लेते, ध्यान दो, इनको हमने ये कर ली थी, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, ये y डैश का आंसर यहां पर हमें मिला था। अब देखो y डैश का आंसर कितना मिला, जीरो जीरो। तो यहां पर ये y डैश जो मिला था जीरो, इसको हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो। अब इस OR गेट का इनपुट क्या है, जीरो जीरो। तो OR गेट क्या करता है, एडिशन, जीरो प्लस जीरो कितना करेगा, वो जीरो कर लेगा, और उसके सामने नॉट लगाया है, जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो का नॉट क्या होता है, वन। फिर इसको देख लेते हैं, जीरो और वन, ये जीरो और वन के हिसाब से अपने पास में यहां पर जीरो और वन के हिसाब से आउटपुट क्या मिला, वाई डैश का जीरो। यही जीरो हम दोनों केस में प्रोवाइड करेंगे, जीरो जीरो, ठीक है। अभी हमने किए थे जीरो को, क्या मिला था आंसर, वन। देखो फिर से जीरो जीरो इनपुट दी और गेट को, और क्या करेंगे उसको एड करेगा, जीरो प्लस जीरो क्या कर देगा, ये जीरो, और जीरो का नॉट क्या हो जाएगा, वन। तो इसका भी आंसर आएगा वन। फिर फाइनल जो है वन वन, यहां पर इनपुट दे दी थी हमने वन वन, उसका वाई डैश जो आया था वो कितना था, जीरो। तो वाई डैश जीरो आया था, तो फिर से वही, यही जीरो, ये भी जीरो, और हम जीरो के लिए अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते, फिर कितने भी गेट्स एक दूसरे के सामने लगे रहेंगे उस तरह के कॉम्बिनेशन हम देख सकते। आप इसको चेक कर लो, एक लास्ट नेटवर्क हम सॉल्व करने की कोशिश करते, ये थोड़ा सा टफ है, तो इसके हिसाब से आप जितने भी सिंपल है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ए और बी दो इनपुट है, इनपुट के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हम वहां पर लिख दिए, तो ए में जीरो और बी में हम जीरो दे रहे, ठीक है। तो ए में यहां पर हमने दे दी जीरो और बी में भी कितना दे दिए, जीरो। अब इस जीरो को पहले इधर में लेके चलते, देखो जीरो अगर दे दिए तो ये जीरो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी हमने कितना दे दिए, यहां पर देखो हमने दे दिए जीरो और यहां पर भी कितना हो गया, जीरो। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। तो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो, और जीरो का नॉट, जीरो का नॉट कितना हो जाएगा, वन। जीरो का नॉट कितना हो जाएगा, वन। अब ये जो जीरो का नॉट वन आया है, मैं यहां पर लिख दिया वन, ये वन हमने इन दोनों को दे दिया, यहां पर भी हो गया वन और यहां पर भी हो गया वन। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन। वन का नॉट क्या होता है, जीरो। तो यहां पर इसको दे दिए हमने फिलहाल जीरो, यहां तक रुक जाते हैं। फिर इधर में बी में क्या दिए थे, जीरो। ये जीरो गया किसको, इस गेट को। यहां पर दोनों में डिवाइड हो गया जीरो जीरो। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन। जीरो इंटू जीरो, जीरो। जीरो का नॉट कितना होता है, वन। तो ये वन दे दिया हमने इसको, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक इनपुट दिया है जीरो, दूसरा इनपुट दिया है वन। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। जीरो इंटू वन कितना होता है, जीरो। जीरो का नॉट क्या कर लेगा, वो जीरो का नॉट वन। ये आ गया यहां तक वन। अब इस गेट को एक इनपुट दिया है स्टार्टिंग का ही, स्टार्टिंग का इनपुट क्या है, जीरो। तो यही हमने यहां पर दे दिया जीरो, ये हो गया जीरो। मतलब ये फाइनल गेट थी, यहां तक इनपुट कहां से पहुंचा था, इस सर्किट से, और इसका दूसरा इनपुट कहां से पहुंचा था, स्टार्टिंग से। तो अभी इसका क्या है, इनपुट वन और जीरो। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू जीरो, जीरो, और जीरो का नॉट कितना होता है, वन। तो फाइनल आंसर कितना आता है, वन। जब हमने इस सर्किट में ए और बी जीरो प्लेस कर दिए, ए और बी जीरो प्लेस कर दिए, तो फाइनल जो आंसर आता है वो कितना आता है, वन। चलिए इसको फाइनल आंसर मान लेते हैं, और ये आंसर कितना आ गया अपने पास में, वन आंसर आ गया है। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं, चलो मैं अभी वन वन सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर दे दिया वन और यहां पर भी दे दिया वन। पहले इस वन को ही सॉल्व करते, वन दे दिया दोनों में, वन दे, वन और वन, वन और वन दे दिए। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वन इंटू वन वन। वन का नॉट क्या होता है, जीरो। अभी जीरो हम दोनों
इनपुट लगाएंगे, जीरो इंटू जीरो, ये कौन सी गेट है, एंड, एंड क्या करता है मल्टीप्लाई, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट क्या होता है वन, तो यहां पर इनपुट मिला वन। अब यहां तो दूसरा इनपुट हम यहां से लाते, हमने दिए थे इनपुट वन, ये वन डिवाइड हो गया वन वन में, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो यहां पर आ गया, एक इनपुट वन एक इनपुट जीरो, कौन सी गेट है एंड, क्या करता है मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट क्या करेगा वो वन, तो फाइनल तक एक इनपुट पहुंचा वन, और ये जो वन इनपुट है वो भी हम लेके जाएंगे वन, और वन इंटू वन वन, और वन का नॉट क्या होता है जीरो, तो जब वन वन रहेगा तो इसका आउटपुट कितना निकलेगा जीरो निकलेगा। चलो और एक कर लेते हम, अभी वन और जीरो उठा लेते हैं, एक हो गया वन और दूसरा क्या हो गया जीरो, इसको अगर हमने वन दे दिए तो वन कन्वर्ट हो जाएगा वन वन में, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो, जीरो कन्वर्ट होगा जीरो जीरो में, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट वन, फिर ये जीरो गया यहां पर जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट वन, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो, फिर यहां से आ गया जीरो, और जीरो इंटू जीरो क्या होता है जीरो, और जीरो का नॉट क्या होता है वन, तो जब ये हमने इनपुट वन जीरो दिए थे, वन जीरो दिए थे, तब आउटपुट कितना मिला हमें वन, ए को हमने वन, बी को हमने जीरो दे दी थे, ए को वन बी को जीरो, तो आंसर कितना मिला वन। अब लास्ट बाकी है ये जीरो वन वाला, अब इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको देंगे हम जीरो और उसको दे देंगे वन, तो जीरो दे दिए, दोनों का इनपुट क्या हो गया जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट वन, वन दोनों को दे दिए वन वन, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो यहां पर आ गया जीरो, फिर हमने वन दे दिए इसको वन वन, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का नॉट वन, और एक इनपुट चला है हमने यहां से वन, वन इंटू वन वन, वन का नॉट जीरो, तो इसका आंसर क्या जाएगा जीरो। ये कुछ यूजेस है गेट्स के, सबसे पहले तो हमने गेट के जो टाइप्स देखे थे, टाइप्स के बाद में उसके कॉम्बिनेशन भी देख लेते थे, गेट्स के अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो बेसिक गेट्स यूज होता है, टू कंस्ट्रक्ट द नैंड और नॉर गेट, नैंड और नॉर कौन से गेट्स है, कॉम्बिनेशन वाले गेट है, इनको बनाने के लिए हमने एंड गेट यूज किए थे, और गेट यूज किए थे, नॉट गेट यूज किए थे, तो बेसिक गेट को यूज करके हम ये कॉम्बिनेशन वाले गेट बना सकते हैं। अब ये जो गेट्स होते हैं इनको यूज होता है डिजिटल सर्किट्स में, जैसे कि क्लॉक्स, कंप्यूटर और बहुत सारे सर्किट। कंप्यूटर में भी क्या होता है हमें पता है, कभी कभी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में वहां पर जो गेट्स यूज होते हैं वो लॉजिकल गेट्स ही यूज होते हैं। और बुलियन अलजेब्रा मतलब लॉगरिथम हमने कभी पढ़े होंगे, मतलब लॉगरिथम मतलब लॉग चार्ट, मतलब इसका इनपुट ए दे दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट अगर ये मिल रहा है तो वैसा करो, वो आउटपुट मिल रहा है तो ऐसा करो, मतलब ये जो वेज होते हैं, मतलब किसी ने ऐसा बोल दिया कि मतलब इस रास्ते से जाना है तो ब्लॉक रहेगा तो कौन से रास्ते जाना, ये अगर वो ब्लॉक नहीं रहेगा तो ये रास्ते से, मतलब हर आंसर का कुछ ना कुछ और एक आंसर रहने वाला है। मतलब कंप्यूटर के पास में अगर हमने जानकारी भेजे कि वन इंटू वन, तो कंप्यूटर को ऑलरेडी लॉजिक गेट के थ्रू पता है, अगर एक इनपुट वन आया दूसरा इनपुट वन आया तो आउटपुट उसको वन देना है, इस तरह के जो सिस्टम्स यूज करते हैं वो लॉजिक गेट के थ्रू ही वो एप्लीकेबल होते हैं। और इसमें जो कभी कभी होता है जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। एक्चुअली नॉट गेट अपने को पता है वो उल्टा दे देता है, हमारा जो भी आउटपुट आया जीरो आया तो वन दे देगा, वन आया तो जीरो दे देगा, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्टर गेट। जैसे अपने घर में इन्वर्टर होता है, लाइट है तो इन्वर्टर ऑफ, लाइट बंद तो इन्वर्टर के थ्रू लाइट चालू, तो अपोजिट वो करता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी बोल देते हैं।